गाइस परसेंटेज के ऊपर पहला न्यूमेरिकल है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 21, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सबसे पहला आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। एज वी नो, सॉल्यूशन यहाँ को लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होती है वो ये होती है p²/2m। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो अगर आप लोगों को ये रिलेशन नहीं पता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, जब p जो है वो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता। अब ये कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो 20% बढ़ा दिया गया, लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ा दिया गया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीमेंट आएगा। तो ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर 100 है आपके पास तो 20% बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि 120 हो गया। तो जब भी आपको इंक्रीमेंट देखना हो मोमेंटम के अंदर, तो देखो कैसे दिखेंगे आप, ये देखोगे फाइनल मोमेंटम, ऐसा देखो फाइनल मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 20%, तो p का 20%, तो इसको देखोगे तो 120 p/100 ये आ जाएगा, तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अगर फाइनल मोमेंटम की अगर बात करें तो वो ये है, इनिशियल मोमेंटम p था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ke थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, इनिशियल मोमेंटम आपके पास है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों है। इसको देखो, इसको 20 से काटेंगे, बीच छेंगे 120, 20 × 5 = 100, तो आपके पास 6p/5 ये फाइनल मोमेंटम निकल करके आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं होनी चाहिए, फाइनल मोमेंटम आपके पास है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी, और वो कौन सी वाली, फाइनल वाली, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल मोमेंटम के हिसाब से है, तो फाइनल मोमेंटम तो ये है, इसका स्क्वायर अपॉन 2m, इसका स्क्वायर अपॉन 2m, तो 6p/5 का स्क्वायर अपॉन 2m, तो 1/2m ऐसे रहने दो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36p², और 5 का स्क्वायर 25, और 2m ऐसे ही रहेगा। p²/2m से मतलब फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, आपने कर दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल कर आ गई। तो आपसे ये पूछा है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, तो पहला आप परसेंटेज चेंज देख लो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब भी आपको देखना हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो आप कहोगे फाइनल 36p²/2m × 25, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी, p²/2m, तो आपने p²/2m को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, p²/2m गया 36/25 −1, सॉल्व करो p²/2m, तो आप कॉमन ले चुके हो 36 − 25, तो ये 25 जो है सबका एलसीएम हो जाएगा, 36 − 25, बताओ कितने बचेंगे, 36 25 6 5 11 11 आ जाएंगे, तो ये आपके पास ये आ चुका है 11p² 11p² / 25, और 2m भी साथ में, सही है, आपने काइनेटिक एनर्जी में चेंज देख लिया। आपसे परसेंटेज चेंज पूछा था, तो आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी × 100, सही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी आपने देखा 11p² / 2m और 25 भी साथ में था, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था, ये आया 11p²/2m और साथ में 25, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, p²/2m × 100 का मतलब ये कि आप परसेंटेज में निकाल रहे हो, तो ध्यान दें p² से p² कट जाएगा, 2m से 2m कट जाएगा, इसलिए हमने 2m को सॉल्व नहीं किया था, मल्टीप्लाई नहीं की थी, क्योंकि हमें पता था कट जाएगा, तो ये आपके पास आया 11/25 × 100, 25 से काटोगे 100 को, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 की जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 44%। आपसे यही पूछा था कि परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44%। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें। अगर आप एक बात ध्यान दें, आपने चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपने जब आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर कुछ इस तरह से एरर वाले क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो p²/2m होती है, एरर वाले क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें पूछता है कि अगर p को
कितना करा है इन्होंने, देखो पी को 20% कर दिया गया, तो पी को 20% कर दिया गया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा अगर पी को डबल कर दें, ये कर दें वो कर दें। तो आपने देखा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करते थे, जिसके अंदर चेंज हुआ करता था उसी को ही देख लिया करते थे कितने परसेंट चेंज बताया था इन्होंने, 20%। तो जब वहाँ हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर दोगे। ये क्वेश्चन, ये परसेंटेज चेंज जो होता है ये हम तब लगाते हैं जब बहुत कम परसेंटेज चेंज होता है, 5%, 6%, 10% तक चल जाए, लेकिन 20% चेंज हुआ तो आप इस कॉन्सेप्ट से ना करेंगे, बल्कि आप इस तरह से करेंगे जैसे कि अभी आपने देखा कि इनिशियल कितना था, परसेंटेज इंक्रीमेंट करने के बाद फाइनल कितना हो गया, चेंज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, डाउट है तो बता दें। थैंक यू सो मच।